हेलो दोस्तों, मैं खुशी सिंह रॉयल, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों देख लीजिए, आज मैंने काफ़ी अलग लुक रखा है। मैंने आज अपने फेस को क्लीन कर लिया है और बालों में देखिए हेयर स्टाइल भी किया साइड से। ये मेरा काफ़ी पहले का सूट है दोस्तों, जो मैं कभी पहनती नहीं हूँ, काफ़ी हैवी है, तो मैंने वीडियो के लिए पहन लिया है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा कलेक्शन वीडियो लेके आया, जिसमें खूब सारे इयररिंग और मेरे सिंपल सिंपल से ज्वेलरी है। दोस्तों आप लोग बताइएगा मेरे फेस पे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, ये मेरे पास जो इयररिंग आप लोग को दिख रहा है, ये मैंने दिवाली में लिया था दोस्तों। देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर के पीरोन मार्केट से लिया था दोस्तों, दिवाली में लिया था मैंने। मैंने तब से इसे पहना नहीं है, मुझे बड़े इयररिंग कम पसंद हैं और मेरे ऊपर सही लगता है। मैं आप लोग को पहन के दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इयररिंग पहन लिए हैं, तो बता दीजिएगा कैसे लग रहा मेरे ऊपर। ये देखिए, मैं एक बिंदी लगा लेती हूँ, ठीक है, बिंदी में बताएगा कैसी लग रही हूँ। छोटी सी बिंदी है, मैं बिंदी कभी यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए, मैंने बिंदी भी लगा ली है और आप लोग बताएगा मेरे ऊपर कैसी लग रही है। देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। देखा आप लोगों ने, अब मैं दूसरा इयररिंग पहनने जा रही हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, ये भी काफ़ी लॉन्ग इयररिंग है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, मैं इसे कभी पहनती नहीं हूँ, है ना दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएगा मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा इयररिंग अच्छा लगा आप लोग को, तो मैं पहन के दिखा देती हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं कितनी कैसी लग रही हूँ बता दीजिए। अब प्रिटी लग रही हूँ तो ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये देखिए, मैं बालों को ऐसे कर लेती हूँ, कैसा लग रहा है इतना लंबा लार्ज साइज बता दीजिएगा आप लोग। देख लीजिए दोस्तों, मैंने बिंदी भी लगा रखी है, मैं बिंदी हटा देती हूँ। तो देख लीजिए और बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मेरा ये इयररिंग, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट पहनती हूँ दोस्तों। अब तो मैं आप लोग के सामने बहुत ही प्यारा क्यूट सा इयररिंग लेके आई हूँ, देख लीजिए कितना क्यूट है ना दोस्तों। ये देखिए, कितने छोटे छोटे से, मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही क्यूट है ये, तो बहुत छोटा सा है इयररिंग। गेस करिए मैं कितने में लेके आई हूँगी मार्केट से। इसे मैं इसे 20 रुपीज़ का लेके आई थी। इसका कलर देख रहे हो आप लोग कितना प्यारा है ना, ऊपर रेड है, बीच में येलो है और लास्ट में डार्क ग्रीन कलर का है कॉम्बिनेशन, बहुत ही प्यारा है ये। देख लीजिए आप लोग बताइए मेरे फेस पे कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं एक बहुत ही प्यारा सेट लेके आई हूँ दोस्तों, जिसमें सिंपल सा नेकलेस और इयररिंग होगा। ये देखिए टैंटेन, कितना प्यारा है ना दोस्तों। ये मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का है दोस्तों, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसको पहन के आप लोग को दिखा देती हूँ कैसा लगेगा बताइएगा ज़रूर। और इसके साथ देख लीजिए, इसका सेट भी है, मेरी सिस्टर का है ये। ये इस तरह का सेट होगा कुछ, ये मेरी सिस्टर लाई थी 250 का लेके आई थी ये पी रोड से। तो देख लीजिए आप लोग कैसा लगेगा मेरे ऊपर बताइएगा। इसके ऊपर देख लीजिए, इस तरह से लगाने वाला है, बालों पे फंसाने वाला है, देखा आप लोगों ने, मैं पहन के दिखाती हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने ये वाला सेट पहन लिया है, देख लीजिए आप लोग, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। गले का इयररिंग कुछ इस तरह का, सॉरी मेरे बाल थोड़े वैसे हैं तो इस वजह से सरक रहा है बहुत ज़्यादा। और इधर का भी देख लीजिए आप लोग, काफ़ी प्यारा सेट है ये। ये मेरी दीदू का है, दीदी कभी कभी पहनती हैं सूट वूट में। तो देख लीजिए, मैं आप लोग को बड़ी बिंदी लगा कर दिखाती हूँ, ठीक है।
बहुत देर से छोटी बिंदी लगा रही हूँ, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है मेरे को। तो देख लीजिए दोस्तों बिंदी में मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आप लोग को मेरे पर बिंदी अच्छी लगे तो ज़रूर बताएगा, मैं आगे बिंदी कलेक्शन में एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपना लास्ट जो मेरे पास, तो दोस्तों सबसे लास्ट जो मैं लेके आई हूँ दोस्तों यहाँ का नहीं है, नेपाल का है दोस्तों। मेरी एक आंटी नेपाल गई हुई थी तो मैंने उनसे मंगवाया था किसी की शादी पे, देख लीजिए ये नेपाली सोना है दोस्तों, देख लीजिए नेपाली सोना। और ये सारा जो मोती है नेपाल का ही है दोस्तों, इसमें देख लीजिए खूब सारे लेयर भी है, ऐसा यहाँ पर भी मिलता है लेकिन देख सकते हैं आप लोग कुछ अलग है ये इस तरह से। आप चाहे इसको लंबा करके पहन सकते हो चाहे छोटा करके, तो मैं इसे पहले लंबा पहन के दिखाऊंगी आपको। अब बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, देख लीजिए बहुत ही फनी लग रही हूँ मैं तो गॉड। और कान में मैंने कुछ भी नहीं पहना, मैं नाक में ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है एक सेकेंड। OMG कैसी लग रही हूँ मैं। मैंने देखिए इयररिंग को नाक में डाल लिया है। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, लालो लाल लग रही हूँ ना दोस्तों। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी पहन सकते हो, काफ़ी पुराना हो गया है ये, है ना, मम्मा पहनती नहीं इसको ज़्यादा तो इसलिए ऐसा हो गया। तो मैंने इसको ऐसे पहन लिया, आपका जैसा मन हो वैसा पहन सकते हो। कहते हैं वहाँ पर का मंगलसूत्र है ये, इसे मंगलसूत्र कहा जाता है, फैशन में भी पहन सकती हैं। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों मैं कितनी फनी लग रही हूँ। गॉड देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, बताइएगा। इस ज्वेलरी में कुछ अलग लग रही हूँ ना दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, जूम करके दिखाती हूँ एक सेकंड मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ। मैंने कान में कुछ नहीं पहना, खुद ही इतना मेकअप कर लिया कि पहनने की ज़रूरत ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं इस तरह की और वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगी दोस्तों, मैं बीच में बिंदी कलेक्शन लेके आऊँगी, तो आप लोग बताएगा मेरे फेस से बिंदी कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे बहुत सारा प्यार और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच दिल से दोस्तों, ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा और बताइएगा मैं कितनी फ़नी लग रही हूँ, किस में ज़्यादा आप लोग को अच्छी लग रही हूँ वो भी बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।